हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एनजीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा से कैसे लोन ले सकते हो, कितना से कितना तक ये लोन देगा आपको और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका होने वाला है। गारंटी दे रहा हूँ आपको कि इतना कम ब्याज दर पे आपको लोन नहीं मिला होगा आज तक। केवल केसीसी लोन मिला होगा इससे कम ब्याज दर पे, या तो सिक्योर लोन। पर्सनल लोन आपको इतना सस्ता ना कहीं मिला है ना कभी मिलेगा, जितना सस्ता ये लोन देगा। तो आइए चलते हैं, इसका कहां से अप्लाई करना है फुल डिटेल आपको बताएंगे। तो इसका हम बताएंगे कहां से आपको इसका लिंक मिलेगा। देखिए यहां पे कैलकुलेट पूरा दिया हुआ है। आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इसे अप्लाई करने के लिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर डिजिटल पर्सनल लोन जर्नी। यहाँ पे देखिए, वैलिड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, आधार नंबर कनेक्टेड विथ मोबाइल नंबर, आधार में एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, वैलिड पिन नंबर होना चाहिए, नेट बैंकिंग क्रेडिट और डिजिटल बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का स्टेटमेंट होना चाहिए, वेब कैमरा फॉर क्लिकिंग पिक्चर एंड परफॉर्मिंग वीडियो KYC करने के लिए चाहिए, ITR ई फिलिंग क्रेडेंशियल और डिजिटल ITR रिटर्न फॉर 2 ईयर्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, GST पोर्टल है तो बिजनेस वालों के लिए मान लीजिए, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन एंड फीचर एडवांसेस। यहाँ पे डिजिटल लोन तो प्री अप्रूव्ड तो उनको मिल जाएगा, जो लोग पहले ले चुके होंगे उनके लिए प्री अप्रूव्ड लोन है, जो लोग पहले कभी इसे लिए होंगे। देखिए यहाँ पे 11% से 16% मैक्सिमम, ये है आपका ईयरली है, मंथली नहीं है, ईयरली यानी सालाना। लोन रिपेमेंट पीरियड स्टार्टिंग 9 मंथ्स टू 36 मंथ्स एनुअल। यहाँ पे हमें लेना है डिजिटल लोन, कौन सा लोन चाहिए हमें, डिजिटल पर्सनल लोन फीचर एंड एडवेंचर। यहाँ पे देखिए, लोन ऑफर स्टैंडिंग फ्रॉम मिनिमम 50,000 टू मैक्सिमम 10 लाख। मिनिमम आपको 50,000 लेना है और मैक्सिमम आपको ये 10 लाख रुपए देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। यहाँ पे कॉम्पिटेटिव इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग मिनिमम 11 से 17% ब्याज दर पे आपका देगा, यानी जितना अमाउंट ज्यादा होगा ब्याज उतना ही कम होगा, ये तो पता है ही है सबको। लोन रिपेमेंट पीरियड स्टैंडिंग यानी 12 महीने से 60 महीने तक आप इसका EMI बनवा सकते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट कितना है, 12.19 से 18.2। प्रोसेसिंग चार्ज, प्रोसेसिंग फी कितना लेगा, 1,000, मैक्सिमम 10,000। स्टाम्प ड्यूटी एज पर स्टेट, यानी आपके स्टाम्प ड्यूटी कितना लग रहा है वो डिपेंड करता है आपके स्टेट पर। जैसे मान लीजिए 50,000 रुपए का आपने लोन लिया तो आपको 1,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस देनी है। अगर आप 10 लाख का करवा रहे हो लोन तो 10,000 रुपए का 10 लाख पे आपको मैक्सिमम देना है, यानी मिनिमम आपको 1,000 और मैक्सिमम 10,000 इसका प्रोसेसिंग फीस लगेगा। प्रोसेसिंग फीस भी ज्यादा नहीं है, यहाँ तो ऑनलाइन लोन लेते हैं तो पता चलता है 85,000 में 6,000-7,000 उड़ जाता है प्रोसेसिंग फीस में। यहाँ पे अप्लाई 24/7 फ्रॉम योर, यहाँ पे डाटा डर दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है तो ये चीजें छोड़िए, यहाँ पे हम क्या करते हैं डायरेक्ट प्रोसीड। तो देखिए यहाँ पे अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि वहां से क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर और मोबाइल पे एक OTP आएगा, आपको डालना है, फिर सबमिट OTP कर देंगे। सबमिट होने के बाद से आपको क्या करना है, पूछेगा कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है या नहीं है, तो अगर होगा तो यस कीजिएगा, नहीं होगा तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद अगले ऑप्शन में देगा कि अगर आप आधार नंबर या पैन कार्ड नंबर या अकाउंट नंबर या CIF नंबर क्या डालना चाहते हैं। उसके बाद से बाकी अप्लाई करना तो जानते ही हैं, बेसिक सा डिटेल है, उसके बाद भरेंगे। उसके बाद आपका सिविल मिनिमम 710 होना चाहिए, आपका अगर सिविल स्कोर 710 है तो ये आपको लोन दे देगा, अगर आपका सिविल स्कोर 710 से नीचे है तो मत ट्राई कीजिएगा, नहीं मिलेगा। मिनिमम सिविल स्कोर इसके लिए आपका 710 होना चाहिए तभी ये लोन देगा। इसमें कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक होने की कोई डर नहीं है, बढ़िया है। यहाँ से अगर आपको लोन मिल जाता है तो आपको इंटरेस्ट भी कम चुकाना पड़ रहा है, प्लस आपका सिविल भी इंक्रीज करेगा अगर मिल जाता है, टाइम टू टाइम पेमेंट होगा, तो इसमें दुनिया भर के फर्जीवाड़ा नहीं होगा, अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ से अगर आपको मिल जाती है तो ट्राई कर लीजिएगा जिनको ज़रूरत है, तो नहीं तो ज़बरदस्ती ट्राई मत कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।